नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि इस देश में मुसलमानों को बीजेपी ने अनटचेबल बना दिया है। अभी सब लोग डरते हैं कि माइनॉरिटी को अपने साथ खड़ा करते तो कहीं वोट बैंक कम न हो जाए। यही दर्द कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद गुजरात चुनाव में अहमद पटेल का था। वहीं आसाम के चुनाव में कांग्रेस ने जब यूडीएफ के साथ गठबंधन किया तो बीजेपी ने यह प्रचार करने की कोशिश की कि उनकी सरकार आने पर बदरुद्दीन अजमल मुख्यमंत्री होंगे। इस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने काफी स्कीमें बनाई। वहीं समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में जितने विधायक चुनकर आए थे उस अनुपात में ज्यादा नुमाइंदगी उनको सरकार में दी गई थी। महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी आज अपने जनपद आजमगढ़ में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। उत्तराखंड में पिछले दिनों धर्म संसद में विवादित टिप्पणी पर अबू आसिम आजमी ने कहा था कि यह अफसोस की बात है, कुछ लोग देश का बंटवारा करना चाहते हैं, यह देश को तबाह कर देगा। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि ऐसे लोगों के खिलाफ मकोका व यूएपी की धारा लगानी चाहिए ताकि जमानत न हो। यह लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक कम्युनिटी को टारगेट करना, 15% की आबादी को 85% से डराना, इसका क्या मतलब है? हिंदू मुसलमान सभी साथ साथ रहना चाहते हैं। अगर आपसी कोई रंजिश ना हो तो धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करना है। पिछले दिनों काशी कॉरिडोर के लोकार्पण पर कहा गया कि औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी खड़े हुए थे। यह नहीं कहा गया कि औरंगजेब के साथ कई हिंदू थे जो शिवाजी के सिपा सलार और मुसलमान भी थे। वह सत्ता की लड़ाई थी लेकिन अब उसको दूसरा रूप दिया जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है। वह यूपी चुनाव को लेकर अबू आसिम ने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी 350 से ज्यादा सीट लेकर आ रही है। अखिलेश के 400 सीट जीतने के दावे पर कहा कि वह ज्यादा घूमे हैं, प्रदेश में मैं अभी पूरा नहीं घूम पाया हूँ, इसलिए मेरा आकलन थोड़ा कम हो रहा है। वहीं अबू आसिम आजमी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से आगरा एक्सप्रेसवे पर कम समय में गुणवत्ता के साथ बनाया है वैसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ नहीं है, वह क्वालिटी इसमें नहीं है। और अखिलेश यादव ने इस प्रकार से उद्घाटन नहीं किया था कि चुनाव पास हो, यह लोग सभी काम चुनाव के पास कर रहे हैं। जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया है उतना काम किसी ने नहीं किया। ये लोग सब जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमारी जो जीत है उसमें हमारे कुछ वोट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी ने इस मुल्क में मुसलमानों को अनटचेबल बना दिया है। अभी सब लोग डरते हैं कि कहीं हम माइनॉरिटी के लोगों को अपने साथ खड़ा कर देंगे तो हमारा वोट बैंक कम ना हो जाए। आपने सुना होगा गुलाम नबी आज़ाद साहब का ये दुख था, कांग्रेस उनको नहीं ले आती थी। अहमद पटेल साहब का एक दुख था कि जब गुजरात में इलेक्शन हुआ तो अहमद पटेल को नहीं बुलाया गया, और अभी आसाम में जब इलेक्शन हुआ तो बीजेपी का एक ही मुद्दा था कि कांग्रेस की अलायंस यूडीएफ से हुई है, बदरुद्दीन अजमल से। अगर कांग्रेस चुनकर आई तो बदरुद्दीन अजमल मुख्यमंत्री बनेंगे। बदरुद्दीन अजमल मुख्यमंत्री क्या क्या आप देखना चाहते हैं? ये भाषण करके यानी इस देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अनटचेबल बनाने के लिए बीजेपी ने बहुत सारी स्कीमें बनाई। नहीं, माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है। लोग पब्लिक को जमा करने के लिए पैसे दे रहे हैं, कलेक्टर के द्वारा गाड़ी मंगाई जा रही है, यहाँ तक कि मेरा स्कूल है, यहाँ मेरे स्कूल की गाड़ी को मंगाने के लिए फोन कर दिया मेरे यहाँ। उनको बताया भाई ये समाजवादी पार्टी की गाड़ी है, अबू आसिम आजमी की गाड़ी है, यानी पैसे देते कि बुलाया यार आदमी नहीं आ रहे हैं आदमी अब। और समाजवादी पार्टी की हालत यह है कि 10 किलोमीटर जाना है तो कई घंटे लग रहे हैं अखिलेश यादव जी को। मतलब माहौल बिल्कुल पहले से बिल्कुल बदल चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ की जनता बिल्कुल इंतजार कर रही इलेक्शन कब हो और बीजेपी हटे। मतलब ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, लेकिन टॉप ऑफ द टाउन बन गया है भाई, इस सरकार को हटाना है। लेकिन वो तो काशी कॉरिडोर और इस तरह से जेवर एयरपोर्ट शिलान्यास कर रहे हैं, बहुत सी चीजें कर रहे हैं कि हमने विकास अभी नहीं किया, अखिलेश यादव से सिर्फ घोषणा करते रहेंगे। भाई साहब अब इलेक्शन आ गया है, अब तो दिखाने के लिए कुछ भी करेंगे ये, और उसके बाद सिर्फ न्यू रखी जाएगी, और उसके बाद जो है बोलेंगे भाई ठीक है ये तो जुमला था, अब 5 साल से थे ना तो क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने तो 22 महीने में रोड बना दिया था, ये इंतजार नहीं किया था कि हम न्यू रखेंगे और इलेक्शन के वक्त में दिखाएंगे। काम जिसको करना होता है वो शुरू से काम करता है। अब ये जितनी चीजें हैं ना ये सब दिखावटी हैं, बनावटी हैं, लोग जानते हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं है। जानते नहीं क्या कि पूर्वांचल की 30% जमीनें एक्वायर करने में अखिलेश जी का हाथ तक नहीं था, उसकी शुरुआत अखिलेश जी ने किया था नहीं किया था?
और अखिलेश जी ने जब आगरा का रोड बनाया तो जहाज उतारे थे उसके ऊपर, इन्होंने वही जहाज उतारे 5 साल के बाद। और आप मैं अभी इस रोड से हम लोग आ रहे हैं, कितना खराब रोड बना है, गाड़ियां फास्ट चलती है, गाड़ियां उड़ उड़ जा रही हैं बिल्कुल। और मैंने कभी चला नहीं था आगरा रोड पे, इस रोड पे चलने के बाद मैं आगरा रोड पे गया, यकीन जानिए जमीन और आसमान का फर्क है। कोई भी जाके देख ले उस पर, तो एक मीडिया के लोगों ने एक गिलास से पानी भर के रखा था और कहा यू हमारी 20 की स्पीड है, 30 की है, 40 की है, 100 की है, लेकिन पानी हिरा नहीं। इस रोड पे आ रहे हम लोग, इतनी बुरी हालत है, बता नहीं सकता। और आप खुद देखते होंगे क्या हालत इस रोड की। रोड तो बन गया लेकिन शुरुआत अखिलेश जी ने किया था, ये कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता, ये कोई छुपी बात नहीं है। जो लोग धर्म के नाम पर बंटवारा करना चाहते हैं वो देश को तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के मैंने परसों असेंबली में डिमांड किया था कि जो लोग भी धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, UAPA या जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मक्को का केस है, ऐसे केस लगाया जाए जिनकी जमानत नहीं होना चाहिए। ये क्या मतलब है इसमें, इस देश के संविधान के खिलाफ बार बार करना और एक कम्युनिटी को निशाना बना करके जिसकी तादाद 14-15% है और 85% लोगों को उसे डराना, क्या मतलब है? मुसलमानों के पास है क्या? अगर हमारे यहाँ के हिंदू भाइयों को मुसलमान कैसे तकलीफ दे सकता है? मैं समझता हूँ अगर 500 हिंदुओं को बुलाया जाए और 500 मुसलमानों को बुलाया जाए और एक सर्वे किया जाए, मैं समझता हूँ हर हिंदू और मुसलमान कहेगा कि हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।